हमें पढ़ना है। चैप्टर फाइव की हम बात करें तो चैप्टर फाइव में क्या क्या चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये पूरा यूनिट ही है हमारे लिए, एंड ये यूनिट हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। अब जेनेटिक्स की हम बात करें तो जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, अगर मैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बोर्ड्स के हिसाब से भी देखें तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, पूरा यूनिट है। एंड अगर मार्क्स की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है, 18 मार्क्स का आई थिंक है ये पूरा यूनिट, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है ये यूनिट को अच्छे ढंग से पढ़ना। तो हम स्टार्ट करेंगे आज जेनेटिक्स, इसमें बेसिकली तीन चैप्टर्स है, एंड तीन चैप्टर्स में हम कह सकते हैं कि पहला जो चैप्टर है इसके बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रो आपको मिला होगा, एंड वो ब्रीफ इंट्रो आपको क्लास 10th के हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में होगा। जो हेरिडिटी का पोर्शन था वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, एंड जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो हमारा हम कह सकते हैं कि चैप्टर जो 7th है हमारा, बीच में एक सेल से रिलेटेड या हम कह सकते हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड एक चैप्टर है, वो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो हमें वो पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला यूनिट है, सॉरी दूसरा यूनिट का पहला चैप्टर है हमारा, तो ये चैप्टर है भाई जेनेटिक्स। तो चैप्टर का हम नाम डाल देंगे सबसे पहले, चैप्टर है, ये यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो जेनेटिक्स। कुछ हम कह सकते हैं कुछ टर्म्स है हमको जो कि जेनेटिक्स में हमें देखना है, तो टॉपिक हम जेनेटिक्स पहले देखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीन से वर्ड बना हुआ है, ठीक है, जेनेटिक्स जो वर्ड है वो जीन से बना हुआ है, एंड जीन जो है, अगर मैं जेनेटिक्स टर्म की बात करूं तो एक बैटिसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म जेनेटिक्स दिया था। अगर मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो टर्म बैटिसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, बैटिसन। एंड बैटिसन को ही हम फादर ऑफ जेनेटिक्स या मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि पहले जो मेनली अगर फादर को कंसीडर करें तो उनको मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है, ये है भाई फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अगर मैं जेनेटिक्स टर्म की बात करूं तो क्या क्या चीजें होंगी जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स में भाई अगर मैं इसको डिफाइन करूं इस टर्मिनोलॉजी को, तो इट इज अ कलेक्टिव स्टडी ऑफ जेनेटिक्स या हेरिडिटी हम कह सकते हैं, कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, क्योंकि हेरिडिटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एसेक्सुअल से भी ट्रांसमिट होता है, लेकिन हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही ये जेनेटिक्स है, क्योंकि यहीं पे क्या है वेरिएशन का भी इंट्रोडक्शन होता है। तो जो भी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे वी कंसिडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस। अब देखो हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, वेरिएशन की बात कर रहे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी क्या हो गया, हम कह सकते हैं हेरिडिटी है। हेरिडिटी कहने का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है जिससे कि, या वो प्रोसेस जिससे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, इसी चीज को हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। तो सिंपल इसको हम लोग एक लाइन में डिफाइन भी कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स
जेनेटिक कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स इज नोन एज हेरिडिटी. इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, हेरिडिटी कहते हैं. हेरिडिटी के बाद मेरे पास टर्म आया वेरिएशन. कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज काफी क्लियर होनी चाहिए ताकि जब भी, क्योंकि ये सब चीजें ना बार बार रिपीट होंगी तो कंफ्यूजन होगा कि क्या है. तो वेरिएशन सिंपल हम लोग कहते हैं, नाम से ही क्लियर है कि जो ऑफ स्प्रिंग पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स से कितने ज्यादा डिफरेंट है. ठीक है, तो जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है, कितने हद तक, डिग्री इज नॉट दैट एंगल डिग्री, तो हम कह सकते हैं द डिग्री जो है डिफरेंस का अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग का, इसी चीज को हम वेरिएशन कहते हैं. इसको सिंपल हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, द डिग्री अप टू विच ऑफ स्प्रिंग्स differ from parents. इसी चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, वेरिएशन टर्म दिए है. अब देखो यहाँ तक लिखो, तो वेरिएशन भी दो तीन तरह का है. दो तरह का मेनली हम लोग कहते हैं, कैसा होता है देखते हैं. चलिए देखिए, अगर मैं वेरिएशन की बात करूं तो वेरिएशन कैसा है भाई, वेरिएशन अगर हम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं तो वेरिएशंस है कैसा, इनको दो तरीके से हम कैटेगराइज करके बैठे हैं. एक हो गया वैसा वेरिएशन जो कि सोमैटिक सेल में वेरिएशन होता है. सोमैटिक सेल मान लो कि अब आपका हाथ है, उसका एक उंगली कट गया, तो वो कट गया तो आपके बॉडी तक ही वो वेरिएशन नजर आएगा, वो इनहेरिटेबल नहीं होता है. इसी चीज को लेमार्क ने भी डिस्प्रूव किया था कि रैट जो है वो उनका टेल काट के, तो टेल जो है वो एक तरह का सोमैटिक कैरेक्टर हो गया ना, कि बॉडी का पार्ट है, उसको काट देंगे तो उसके जीन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो जब जीन में चेंज नहीं हुआ है तो वो इनहेरिटेबल नहीं होगा. तो एक है सोमैटिक वेरिएशन,
जो कि क्या है, नॉन इनहेरिटेबल है, नॉन इनहेरिटेबल, ठीक है, नॉन इनहेरिटेबल है सोमैटिक वेरिएशन। दूसरे की हम बात कर रहे हैं सोमैटिक के साथ साथ क्या हो गया, जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल, जर्मिनल मतलब ये जो वेरिएशन है वो, इसी को ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं। मतलब वो चीज क्या हो गया, इनहेरिटेबल हो गया, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये क्या हो गया, इनहेरिट हो सकता है, ठीक है, ये इनहेरिटेबल होता है। इनहेरिटेबल समझ लो, ट्रांसफर हो सकता है, हेरिटेबल। अगेन ये दो तरह का होता है, एक वैसा जर्मिनल वेरिएशन या इनहेरिटेबल वेरिएशन जो कि कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस मतलब हर जनरेशन में वो हो ही रहा है, एंड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर याद करिए, हम लोगों ने पैकेटीन में देखा था, यहां क्यों हो रहा है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। फिर क्या है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, डिसकंटिन्यूअस। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस मतलब फिक्स नहीं है कि होगा ही, लेकिन वेरिएशन कभी कभी हो जाता है, एंड ये भी हेरिटेबल होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एंड इट इज ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो म्यूटेटेड स्पाइडर काटेगा, स्पाइडरमैन बन जाएंगे। म्यूटेशन, ज्यादातर म्यूटेशन क्या होता है, रिसेसिव होता है, वो नजर भी नहीं आता है, एंड वो हार्मफुल ही होता है, यूजफुल होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वेरिएशन का। वेरिएशन का दो टाइप हो गया, एक वैसा टाइप है जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी सेल तक ही लिमिटेड है, एंड वो ट्रांसमिट नहीं होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। वहीं पे दूसरा तरह का वेरिएशन है जो कि इनहेरिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एंड उसको हम जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। हो गया, चलिए देखिए, ये तो वेरिएशन हो गया, कुछ टर्म्स हमने देखा। अब हम कह सकते हैं हमें पढ़ना है कुछ कैरेक्टरिस्टिक, हमको पढ़ना है। अगर हम लोग देखें तो मेन जो पढ़ना है थ्योरी वो है मेंडल का थ्योरी, मेंडलिज्म के बारे में पढ़ना है। लेकिन मेंडल से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कुछ जेनेटिक्स के लिए वर्ड बोला था, कुछ किन्होंने क्या किया था कि कहा था कि कोई भी चीजें हमको ऑफस्प्रिंग में नजर आ रहा है, कोई भी डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, तो इट इज ड्यू टू सम इनहेरिटेबल सब्सटेंसेस की इनहेरिट किए जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तभी तो कैरेक्टर्स हमको ऑफस्प्रिंग में नजर आते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट है जो कि मेंडल के पहले है, मेन हमको पढ़ना है जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कंसिडर भी करते हैं वो है मेंडल के बारे में, एंड मेंडलिज्म जो पी प्लांट वाला पढ़े थे ना क्लास 10th में, वही पढ़ना है यहाँ पे। लेकिन
यहाँ पे और भी कुछ टर्म्स को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मेंडल से एक्चुअली पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया था, तो वो चीज थोड़ा हमको देखना है। तो हम टॉपिक दे देंगे प्री मेंडलिज्म। सबसे पहला इसमें थियोरी है वो है वेपर फ्लूइड थियोरी। ये जो है एक ग्रीक फिलोसोफर जिसका आपने मैथमेटिक्स में भी नाम सुना होगा, एंड हिज नेम वाज पाइथागोरस। पाइथागोरस आप थ्योरम भी पढ़ते हो, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, तो उन्होंने ही, वो ग्रीक फिलोसोफर थे। एंड पहले फिलोसोफर हम लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीजों के बारे में बताते थे, मतलब सिंपल कह सकते हैं कि फिलोसोफर वो इंसान हुआ करता था पहले के जमाने में जो कि थोड़ा लॉजिकल होता था, जो चीजों को थोड़ा समझता था, तो वो फिलोसोफर कहलाते थे। तो ग्रीक फिलोसोफर थे पाइथागोरस, उन्होंने ही ये बताया था। उन्होंने कहा था कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल और फीमेल दोनों के ब्रेन से कुछ वेपर्स निकलते हैं, एंड इसी वेपर्स के कारण क्या होते हैं, वो एक जो कैरेक्टर्स है वो ऑफस्प्रिंग में चले आते हैं। कुछ मतलब हम कह सकते हैं फीलिंग्स से एक तरह के वेपर्स को जनरेट किया जाता है, ब्रेन करता है, एंड वो वेपर ऑफस्प्रिंग में आके कैरेक्टर्स को शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो टोटली गलत ही था, लेकिन उस जमाने में ये बोला गया था। तो ये भाई थियरी दिए थे, हम कह सकते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस ने दिया था। And according to this theory, at the time of coitus, of male and female, moist vapor secretes from the brain and due to this offsprings are similar to parents. Offsprings are similar to parents. फिर देखो सेकेंड थियरी की हम बात करें तो इसको सीमेन मिक्स थ्योरी भी कह सकते हैं या सीमेन थ्योरी कहते हैं। सीमेन थ्योरी ये एमपी डॉकल्स नाम के साइंटिस्ट थे,
या हम कह सकते ये भी एक फिलोसोफर ही थे, एमपी डॉकल्स, इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा कि जो सीमेन रिलीज होता है मेल और फीमेल का, ये इन्होंने फीमेल को भी सीमेन ही कहा कि दोनों के सीमेन मिक्स करते हैं जिसके कारण कैरेक्टर जो है वो मिक्स कर जा, वहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर जीन या किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, बस था कि फ्लूइड जो है वो आपस में मिक्स कर रहे, जो सीमेन है वो मिक्स कर रहा है। According to this theory, semen of male and female is mixed during coitus characters of parents parents appear into the offspring. Offspring is due to this mixture. हो गया, तो ये था हमारा सीमेन थ्योरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज परफॉर्मेशन थ्योरी। देखिए परफॉर्मेशन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, तो परफॉर्मेशन थ्योरी में दो चीजें आ गई, एक होता है ओविस्ट होता है, एक स्पर्मिस्ट होता है। इसका मतलब क्या है? परफॉर्मेशन थ्योरी कहने का मतलब है ना कि बिलीव किया गया कि भाई ह्यूमन बॉडी का ना एक मिनिएचर, मिनिएचर समझते हो, मिनिएचर जैसे मान लो कि कोई भी चीज
एक्चुअल में बड़ा है उसका बहुत छोटा सा चीज हम बना दिए, एक मॉडल बना दिए, ठीक है, उसको मिनिएचर कहते हैं, मतलब एग्जैक्ट। तो उनका कहना था कि एक मिनिएचर जो होता है मैन का या ह्यूमन का, वो प्रेजेंट होता है गैमेट के अंदर। गैमेट मतलब हम कह सकते हैं स्पर्म और ओवम के अंदर, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे कि स्पर्म के अंदर क्या होता है, वो मिनिएचर ऑफ ह्यूमन प्रेजेंट होता है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि नहीं, ओवम के अंदर वो मिनिएचर प्रेजेंट होता है। मतलब मिनिएचर समझो, ह्यूमन बॉडी है जितने बड़े हम दिख रहे हैं, उसी का एक छोटा सा, मतलब वैसा ही दिखने वाला चीज, एकदम छोटा सा चीज स्पर्म या ओवम में प्रेजेंट होगा, इसी को मिनिएचर। यही है परफॉर्मेशन थ्योरी। तो परफॉर्मेशन थ्योरी माना गया कि भाई कैरेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, तो भाई एक छोटा सा बॉडी एकदम मिनिएचर प्रेजेंट है ह्यूमन का, या तो स्पर्म में या तो ओवम में। कुछ साइंटिस्ट ओवम को मानते थे, कुछ साइंटिस्ट स्पर्म को मानते थे। तो जो ओवम को मानते थे उसको ओविस्ट कहते थे, और जो स्पर्म को मानते थे उनको हम लोग स्पर्मिस्ट कहते थे। तो परफॉर्मेशन थ्योरी यही है। तो नेक्स्ट है हमारा तीसरा, वो है परफॉर्मेशन थ्योरी। परफॉर्मेशन थ्योरी, परफॉर्मेशन थ्योरी कहने का मतलब क्या हो गया? जर्मिनल सेल कंटेन मिनिएचर ऑफ ह्यूमन, मिनिएचर ऑफ ह्यूमन अब देखो कुछ जो है हम कह सकते हैं, एक साइंटिस्ट है भाई, इनका नाम स्वैमर डैम नाम के साइंटिस्ट थे। दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम हार्ट सोकर। दो साइंटिस्ट थे, एक मानते थे कि ये जो मिनिएचर ऑफ ह्यूमन जो है, ये मिनिएचर ऑफ ह्यूमन ये किसके अंदर प्रेजेंट है, तो स्वैमर डैम मानते थे कि ये ह्यूमन मिनिएचर ऑफ ह्यूमन जो है वो एक्चुअली एग के अंदर पाया जाता है, एग के अंदर, ठीक है। वहीं पे हार्ट सुकर ये मानते थे कि ये मिनिएचर ऑफ जो ह्यूमन है या मैन है, ये स्पर्म के अंदर पाया जाता है। तो ये मिनिएचर ऑफ ह्यूमन जो पाया जाता है एग के अंदर, उसको मैनकिन कहा गया। इन्होंने कहा कि भाई मैनकिन है, इसको नाम मैनकिन दिया। एंड वहीं पे हार्ट सुकर जो बोले, जो कि वही मिनिएचर स्पर्म के अंदर पाया गया, तो उसको होमनकुलस कहते हैं, होमनकुलस, ठीक है। तो मैनकिन एंड होमनकुलस जो है, ये दो चीजें थी, जो कि ये मिनिएचर था, तो इसको, इसी मिनिएचर को हम मैनकिन कहते हैं, एंड इसी मिनिएचर को हम होमनकुलस कहते हैं स्पर्म के केस में। तो जो साइंटिस्ट इसके थ्योरी को मानते थे उनको स्पर्मिस्ट हम कहते थे, स्पर्मिस्ट। एंड जो साइंटिस्ट इसकी थ्योरी को मानते थे, स्वैमर डैम की थ्योरी को, उनको हम ओविस्ट के नाम से जानते थे, ओविस्ट। तो यही है परफॉर्मेशन थ्योरी। मतलब एक छोटा सा ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट है,
एग या ओवम के अंदर, एग या ओवम के अंदर या फिर स्पर्म के अंदर, जो बॉडी प्रेजेंट है एग के अंदर उसको मैनकिन बोला गया, जो स्पर्म के अंदर उसको होमनकुलस बोला गया। जो साइंटिस्ट स्वैमरडैम की थ्योरी को मानते हैं कि एग के अंदर है उनको ओविस्ट कहते हैं, जो हार्ट सुगर को मानते हैं उसको स्पर्मिस्टम कहते हैं। हो गया, इसके बाद से जो बोनेट थे, चार्ल्स बोनेट, जिन्होंने पार्थेनोजेनेसिस के बारे में भी बताया है, इन्होंने कहा एक थ्योरी जिसको इनकेसमेंट थ्योरी कहते हैं। इनकेसमेंट कहने का मतलब एक केस होता है, एक बॉक्स है जिसको चाइनीज बॉक्स कहते हैं। चाइनीज बॉक्स को मानते हैं ना हम लोग, चाइनीज बॉक्स, चाइनीज जो है उनको माना जाता है कि भाई उनके पास सब चीज रहता है, ठीक है, इसीलिए चाइनीज बॉक्स हम लोग कहते हैं। तो एक नहीं होता चाइनीज बॉक्स, हम लोग हिंदी में कहते हैं किस चीज का, खजाने का पिटारा या कुछ ऐसे जो बोलते हैं, जहाँ से सब चीज निकल सकता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर सारी चीजें होती है। जैसे मैजिशियन के पास होता है एक पिटारा होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारी चीजें रहती हैं। तो चाइनीज बॉक्स कहने का मतलब यही है कि सारी चीजें जो कि एक ह्यूमन बॉडी बनाता है, बॉनेट के हिसाब से वो सारी चीजें जो कि एक ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए चाहिए, वो सारी की सारी चीजें एक एक के ही अंदर पहले से होती है। तो फीमेल एक को एक चाइनीज बॉक्स के रूप में बोला गया उनके द्वारा कि भाई फीमेल एक जो होती है एक चाइनीज बॉक्स के तरह है, जिसमें सारी वो फीचर्स और कैपेबिलिटीज है जो कि एक जाइगोट यानी कि एक ह्यूमन बॉडी को बना सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो थियोरी है वो है हमारा इनकेसमेंट थ्योरी, फोर्थ नंबर डालिएगा, इनकेसमेंट थ्योरी, इनकेसमेंट थियरी। इनकेसमेंट थियरी, ये थियरी कौन दिए थे, बोनेट, बाय चार्ल्स बोनेट, चार्ल्स बोनेट, बाय चार्ल्स बोनेट। इस थियरी के हिसाब से फीमेल एग जो है वो एक चाइनीज बॉक्स के तरह है, चाइनीज बॉक्स के तरह है, ठीक है, एंड सारी की सारी जो फ्यूचर प्रोजेनीज है वो इसी बॉक्स के अंदर पैक्ड है। ऑल फ्यूचर प्रोजेनीज are packed in the body, body, female egg नहीं कह सकते, female को female body ही लिख लीजिएगा। female की एक body जो है वो एक Chinese box की तरह है कि जितना भी बच्चा है ना उसी के अंदर पहले ही सही है,
ठीक है, बस समय समय पे वो बाहर आता है। तो ये सरासर एक तरीके से गलत था उनके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने पार्थेनोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया था। उनका कहना था कि फीमेल जो है वो, उसको मेल का जरूरत नहीं है, फीमेल ही बॉडी के अंदर सारी चीज़ें हैं, वो उस जितने भी बच्चे पैदा होने वाले वो फीमेल बॉडी के अंदर पहले से ही है, समय समय पर बाहर आते हैं। बस सिंपल सा थ्योरी था उनका। इस थ्योरी के बाद एपिजेनेसिस थ्योरी एक आया जो कि वुल्फ ने दिया था। वुल्फ एनिमल नहीं है, वुल्फ साइंटिस्ट का नाम था, डब्ल्यू वुल्फ हम कहते हैं, के वुल्फ। तो वुल्फ ने कहा एपिजेनेसिस थ्योरी, उनके हिसाब से ये कहना था कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो भी ऑफ स्प्रिंग है वो डेवलप करता है क्योंकि बॉडी के अंदर पहले से ही एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास प्रेजेंट होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करता है एंड बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाना स्टार्ट करता है। हार्ट बनाएगा, किडनी बनाएगा, लिवर बनाएगा, आर्म बनाएगा, स्टमक बनाएगा, सारी चीज़ें बनाएगा, लेकिन कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो उनका कहना था कि फीमेल बॉडी के अंदर एक अनडिफ्रेंशिएटेड मटेरियल होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करता है एंड डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाता है। तो ये जो थियरी था इसको एपिजेनेसिस थ्योरी कहा गया। एपिजेनेसिस थ्योरी ये भाई वुल्फ ने दिया था, ये वुल्फ ने दिया था। एंड इस थ्योरी के हिसाब से क्या कहा गया कि जो जर्मिनल सेल्स है, जर्मिनल सेल्स पॉजेस एन अनडिफ्रेंशिएटेड डिफ्रेंशिएटेड एंड अनडिफ्रेंशिएटेड मटेरियल दिस मटेरियल डेवलप्स स्टेप बाय स्टेप दिस मटेरियल डेवलप स्टेप बाय स्टेप दिस मटेरियल डेवलप स्टेप बाय स्टेप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। After fertilization. तो यही थियरी है जो कि एपिजेनेसिस थियरी है। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ थियरी जो है वो पैनजेनेसिस थियरी है जो कि डार्विन ने ही दिया था। देखिए ये थियरी है पैनजेनेसिस थियरी जो कि डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जिन्होंने थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को दिया था। पैनजेनेसिस थियरी, दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय और गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, बाय चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। देखो उन्होंने कहा ना कि गैमेट्स के अंदर हर ऑर्गन ना, जैसे मान लो कि मेल बॉडी है फीमेल बॉडी है, तो पहले से क्या करता है कि हर ऑर्गन एक एक
कुछ पार्टिकल रिलीज करता है, उनको पैंजीन्स बोलते हैं। हार्ट अपना पैंजीन रिलीज किया, किडनी अपना किया, लिवर अपना किया, आई अपना किया, हेयर अपना किया, ठीक है, स्टमक अपना किया। तो वो जो मटेरियल है या वो जो यूनिट्स है उनको बोला गया पैंजीन्स, एंड बोला गया कि यही पैंजीन्स जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं स्पर्म के अंदर, मेल का सारा पैंजीन और फीमेल का पैंजीन, और आपस में ये पैंजीन फ्यूज करते हैं, और जब ऑर्गन धीरे धीरे बॉडी डेवलप करना है, जाइगोट से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो हर जो पैंजीन होगा अपना हार्ट का वो हार्ट बनाएगा, किडनी का किडनी बनाएगा। तो उनके हिसाब से था कि हर ऑर्गन क्या अपना अपना पैंजीन निकालता है, ठीक है, उनका जो कि गलत है। हर सेल के अंदर सारा फीचर है, सारा डीएनए सेम है ना हर सेल का एक बॉडी के अंदर। तो पैनजेनेसिस थ्योरी बाद में जाके डिस्प्रूव हो गया। इस थ्योरी के हिसाब से क्या था भाई कि ऑल लिविंग टिश्यू सिंथेसाइज माइक्रो मॉलिक्यूल्स और इन्हीं को पैंजीन्स कहते हैं हम लोग या गेम्यूल्स कहते हैं। और गेम्यूल्स ये गेम्यूल लेके अपने अपने गैमीट में स्टोर हो जाएगा, मतलब स्पर्म वाला मेल बॉडी का स्पर्म में, फीमेल बॉडी का ओवम के अंदर। The male and female pangenes fuse together during हो गया फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन these are further distributed
इन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट. Time of development. At the time of development. इसके बाद से लास्ट जो प्री मेंडलिज्म में हमको पढ़ना है वो है सेवेंथ हमारा, वो है वाइजमैन का जर्म प्लाज्म थ्योरी. जर्म प्लाज्म थ्योरी, इनके हिसाब से दो तरह के मटेरियल्स बॉडी में पाए जाते हैं. ये वाइजमैन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, वाइजमैन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म भी इसको बोलते हैं हम लोग, वाइजमैन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म भी बोलते हैं इसको हम लोग. देखिए ये जर्म प्लाज्म थ्योरी के हिसाब से क्या था कि बॉडी में दो तरह के मटेरियल्स होते हैं. एक को सोमैटोप्लाज्म कहते हैं जो कि इनहेरिटेबल नहीं होते हैं, जो नॉर्मल बॉडी हम कह सकते हैं एंड बॉडी सेल्स के बारे में. एक है जर्म प्लाज्म जो कि इनहेरिटेबल होता है एंड वही कैरेक्टर्स के रूप में ऑफस्प्रिंग में दिखता है. तो ये इनहेरिटेबल है, ये नॉन इनहेरिटेबल है, नॉन इनहेरिटेबल.
हो गया। हाँ प्रत्युष बोलिए। सर ये सारे थ्योरीज का कोई टाइम नहीं था, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया? यही जो टाइम जो सीक्वेंस पड़े ना, यही सीक्वेंस सर तो इसका मतलब ईयर में आएगा कि कौन से टाइम पर ये है। ना थ्योरी ना, आया? ये नहीं पूछेगा। देखिए, तो ये हम लोगों का थियरीज हो गया, ये मेंडल के पहले का थियरी था सारे के सारे। मतलब हम कह सकते हैं कि मेंडलिज्म के पहले का थियरी है। मेंडल ने जो थियरी दिया था उसको कलेक्टिवली हम लोग मेंडलिज्म के अंदर पढ़ते हैं। मेंडल जो थे वो हम कह सकते हैं पी प्लांट को स्टडी किए थे इनहेरिटेंस पैटर्न को पढ़ने के लिए। उन्होंने राजमा पे भी स्टडी किया था, लेकिन पी प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट है काफी ज्यादा सक्सेसफुल उनका रहा। एंड उसका कारण था, पी प्लांट चुनने का भी कारण था, बहुत सारी जो रीजंस है आपने पढ़ा भी हो क्लास 10th में। एंड हम कह सकते हैं कि अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है मेंडलिज्म के बारे में। तो हमने प्री मेंडलिज्म तो पढ़ा, फिर हमको मेंडलिज्म पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक दे दीजिएगा मेंडलिज्म के बारे में। अगर मैं मेंडलिज्म की बात करूं तो जो हेरिडिटी प्रोसेस है कि ट्रांसमिशन जो हो रहा है या कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो आ रहे हैं, इसी इनहेरिटेंस पैटर्न के लिए हम कह सकते हैं मेंडल ने स्टडी किया था। तो अगर मैं मेंडलिज्म की बात करूं तो मेंडलिज्म को हम बोल कैसे सकते हैं? तो एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट्स मेंडल के द्वारा परफॉर्म किए गए थे, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय मेंडल, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स। देखिए ये चैप्टर, और अगर मैं 12th के पोर्शन की बात करूं तो दो ही टॉपिक हार्ड है। वो टॉपिक में से एक तो ये पूरा यूनिट है जिसमें पढ़ना है, एंड एक बायोटेक्नोलॉजी बहुत छोटा सा यूनिट है, लेकिन अगर लिटरली बोले तो उसमें समझना बहुत ज्यादा है। छोटा दो चैप्टर हैं, दोनों चैप्टर्स भी काफी छोटे हैं। बाकी उनको छोड़ के खाली चीजें जो जितनी है ना वो पढ़नी है, समझनी कम है बस पढ़नी है, ठीक है। लेकिन ये जो दो टॉपिक है, दो यूनिट है, पांच में से दो यूनिट हार्ड है, लिटरली हार्ड है वो। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स, एंड उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि भाई कैसे है वो कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ हेरिडिट्री प्रोसेसेस, ऑफ हेरिडिट्री हेरिडिटरी प्रोसेसेस प्रोसेसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स आर नोन एज मेंडलिज्म, आर नोन एज मेंडलिज्म, मेंडलिज्म आर नोन एज मेंडलिज्म।
अब देखो 1856-57 में ही मेंडल ने स्टार्ट किया था, हम कह सकते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट। एंड ये एक्सपेरिमेंट जो था वो पी प्लांट पे था, एंड ये क्लासिकल एक्सपेरिमेंट रहा, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ दी जो जेनेटिक एस्पेक्ट है, जो जेनेटिक फीचर्स है, उसको ये थ्योरी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया या उन्होंने किया। लेकिन वो हम कह सकते हैं वो थ्योरी उस समय कोई उसका मतलब नहीं रहा, बाद में जाके उसकी थियरी को रीडिस्कवर किया गया 1900 में। हम कह सकते हैं कि 1884 में वो मर भी गए, लेकिन तब तक उनको कोई क्रेडिट मिला ही नहीं था, कोई भी हम कह सकते थे उनका रिकॉग्निशन नहीं था, मेंडल को कोई जानता भी नहीं था। लेकिन 16 साल बाद 1900 में क्या है, तीन इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने उनके पेपर को पढ़ा, क्योंकि पेपर उन्होंने पब्लिश किया था साइंस जर्नल में, उसको पढ़ा एंड उस थ्योरी को रीडिस्कवर किया। एंड अगेन मेंडल को एक ऑनर देने के लिए अगर हम कहें तो उनका नाम भी रख दिया गया बाद में, फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन ये सब देखने के लिए बेचारे जिंदा उनका कुछ थे नहीं, मर गए थे। तो ये अगर मैं कहूँ कि क्या वो कारण था जिसके कारण मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत हिडन रहा, ठीक है, कोई उसको जान नहीं पाया। तो सबसे पहला बुक है कि देखो एक एक उस जमाने में 19th या हम कह सकते हैं 19th सेंचुरी में जो कम्युनिकेशन था वो काफी लिमिटेड था, इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड इंटरनेट या न्यूज़पेपर या मीडिया तो था ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यही कारण था, और कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। जैसे आज समझो कि आज सिंपल है कि आप अपने रूम में बैठे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट किए, कोई आप नई चीज को बनाए या खोजिए, तो आप सिंपल क्या करोगे उसको, मान लो हम फोटो क्लिक करके आप सोशल मीडिया ही पे उसको अपलोड करोगे, आप पूरे वर्ल्ड में अगर वो चीज जनवाना चाहो या बताना चाहो आप सबको बता सकते हो। लेकिन पहले तो ये सारी चीजें नहीं थी, तो पहले बड़ा मुश्किल होता था, और ग्लोबलाइजेशन भी नहीं था। ग्लोबलाइजेशन तो हम कह सकते हैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तभी जाके उसके बाद ही ग्लोबलाइजेशन, 1950s के बाद का इवेंट है ग्लोबलाइजेशन। हम लोग कहते हैं किस चीज को मेनली, कि इंटर कंट्री के बीच जो है वो एक तरीके से बिजनेस होना, उसी को ग्लोबलाइजेशन। आज के डेट में ग्लोबलाइज हो चुका है हर चीज, आप एक कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में जाके वो बेच पाता है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, आपको अपने ही कंट्री में बेचना होता था, आप नहीं जा सकते थे। हाँ प्रीवियसली एंशियंट हम कह सकते हैं हिस्ट्री जब हम देखेंगे तो वहां पे तो बहुत होता था, क्या बोल सकते हैं, एक तरह से बिजनेस, बिजनेसी के लिए। तो मिडिल ईस्ट से जितना जो ये रीजन है इस पे कब्जा भी रहा, जैसे इंडिया में भी हम कह सकते हैं बाहर के लोगों का कब्जा रहा, तो यही कारण था कि लोग यहाँ पे बिजनेस करते थे, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे, साथ ही साथ लोग भी थे वो कैपेबल थे परचेजिंग के लिए, क्योंकि इंडिया पहले बहुत पैसे वाला देश था। पैसा का किसी, देखो पैसा इज जस्ट अ फैक्टर, ठीक है, वो कागज का टुकड़ा है, अगर उसका वैल्यू खत्म हो गया तो सिंपल, आपको नोटबंदी के समय ये चीज नजर आ गया, करोड़ों रुपए का वैल्यू खत्म हो गया, अरबों रुपए का वैल्यू खत्म हो गया, उसका गवर्नमेंट ने वैल्यू खत्म कर दिया, तो सिंपल वो कागज का टुकड़ा है। लेकिन कोई रिसोर्सेज है तो उसका वैल्यू अनलिमिटेड है, ये सोना है वो एक रिसोर्स है, नोट तो एक कागज है ना जिसको वैल्यू दिया गया है, लेकिन सोना क्या है, एक रिसोर्स है। तो इंडिया में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, मेटल्स बहुत ज्यादा थे, रिवर्स और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हम अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट होते हैं इसी वजह से। तो अगर मैं मिंडल की बात करूं तो 1856 में इन्होंने इस एक साल के भीतर He started his historical experiments of heredity on tea, जो गार्डन टी है वो है पाइसम सैटिवम,
पाइसम, एस स्मॉल से लिखेंगे, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है, दिया रहेगा। एंड इसको अगर हैंड रिटन है तो सेपरेटली नाम है तो अंडरलाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन। और ये जो एक्सपेरिमेंट था इसके रिजल्ट एक साइंस जर्नल में पब्लिश हुए 1866 में, जिसका नाम नेचर फॉर सैंडर वेरियन था। ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर पब्लिश्ड इन इन साइंस जर्नल जर्नल नेचर फॉर नेचर फॉर शैंडर वेरियन, शैंडर वेरियन ये एक्चुअली जर्मन, देखो जर्मनी पहले ना बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि एडवांस रहा है शुरू से, एल्बर्ट आइंस्टीन भी जर्मनी के ही थे, बाद में जाके अमेरिका में उन्होंने सिटीजनशिप लिया था। तो नेचर फॉर शैंडर वेरियन, एंड ये जो एक्चुअली साइंस जर्नल था वो हम कह सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में था इन 1866। द जर्नल was in German language title was Virtue Uber वर्श्यू उबर फ्लैंजन हाइब्रिडन। ये जर्मन टाइटल था जर्नल का। एंड हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली पब्लिश्ड कौन किया था, पब्लिश्ड बाय नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि ब्रूनो का है।
पेपर ऑफ मेंडल, देखो इंटरनेशनल जर्नल्स रहता है, जर्नल्स में पेपर पब्लिश करवाने रहता है, कोई रिसर्च है आप भी कोई रिसर्च करोगे तो उसको पब्लिश करने के लिए भेज सकते हो पर्टिकुलर पब्लिशर के यहाँ, जो कि वो जर्नल्स पब्लिश करते हैं, आफ्टर रिव्यू दे पब्लिश योर वर्क एज अ पेपर बाय द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन देखो जो भी चीजें थे वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ही था उनका, क्योंकि इन्होंने चॉइस कर करके ये क्रॉस करा रहे थे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलन डस्टिंग, इसी में ईमैस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक भी आता है, पब्लिश्ड इन दिस जर्नल, पब्लिश्ड इन दिस जर्नल, इन दिस जर्नल, पब्लिश्ड इन दिस जर्नल। लिखे तो यहां तक लेकिन बेचारे मेंडल जो थे वो विदाउट कोई पॉपुलैरिटी ऐसे ही मर गए, क्यों भाई, उनको डिजीज हो गया था, बीमारी हो गया, मर गए। He died in 1884. In 1884, without getting any credit of his work, any credit. Of his work, due to kidney disease, kidney खराब हो गया था इनका, मर गए बेचारे। इसी के बाद 1900 में तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट डिस्कवर किया, After 16 years of Mendel's death in 1900, Mendel's postulates were rediscovered by three scientists independently. तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इनके हम कह सकते जो पोस्टुलेट्स थे उनको डिस्कवर किया था, एंड ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था, एक तो पहले कार्ल कॉरेंस नाम के साइंटिस्ट थे, कार्ल कॉरेंस, दूसरे ह्यूगो डी ब्राइस थे, ह्यूगो डी ब्राइस
एंड तीसरे शेरमार्क नाम के साइंटिस्ट थे, एरिक वॉन शेरमार्क, जो कि ऑस्ट्रिया के थे। एरिक वॉन शेरमार्क, शेरमार्क तो यही तीन साइंटिस्ट हैं। इंडिपेंडेंटली क्या किए, वर्क किए, एंड वर्क करने के बाद हम कह सकते हैं रीडिस्कवर किए। क्या रीडिस्कवरी है, कौन कौन सी चीजें हैं, और मेंडलिज्म में क्या रीजन रहा, मेंडल जो है उनका जो वर्क था वो एक तरीके से अनपॉपुलराइज्ड रहा, क्या रीजन रहा कि मेंडल ने पी प्लांट को ही चुना, एंड फिर हम लोग मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक ब्रीफ इंट्रो हमें मिल गया कि मेंडल के पहले इनहेरिटेंस क्या क्या, कैसे कैसे, कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या सोचा, एंड मेनली हमको मेंडलिज्म के ही बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है? देखिए, ये हमारा ब्रीफ इंट्रो था, हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास से हम मेन चैप्टर में एंटर करेंगे। लिख लीजिए एंड हो जाएगा तो लीव कर दीजिएगा।